धन्वन्तरि समारम्भां जीवकाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम। अभी पांच कफ और पांच वायु की बात की हमने। पहले तो पंच महाभूतों से कैसे त्रिदोष की उत्पत्ति हुई उसकी बात भी हमने जानी। त्रिदोष में भी वात पित्त कफ में भी पांच पांच प्रकार पड़ते हैं, उस स्थान के भेद से और कार्य के भेद से पड़ते हैं। अलग अलग स्थानों में रहने के लिए, अलग अलग कार्य करने के हेतु, अलग अलग कार्य करते हैं इसके लिए उनके अलग अलग नाम दिए हैं। बहुत कुछ नाम से ही पता चल जाता है कि प्राण धारणा प्राण, प्राण को धारण करना है, करता है, हृदय में रहता है, इसके लिए उसको प्राण कहते हैं। विसर्जनात अपानः, विसर्जन करता है तो वो अपान कहलाता है। उसी तरह से व्यानम सर्व शरीरगः, तो वो पूरे के पूरे शरीर को व्ययति, घुमाता है खून को, इसके लिए उसका नाम व्यान पड़ा है। तो ऐसे अलग 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 नाम उसके कार्य को लेकर हुए हैं। उसके एक स्थान होते हैं अलग अलग दोषों के, तो उसके हिसाब से उसके अलग अलग नाम और अलग अलग विभाग पड़े हैं। तो उसमें हमने कफ के विभाग देख लिए, उसके हमने वायु के विभाग देख लिए। अभी पांच पित्त के नाम जो रह गए थे वो आज हम समझाने वाले हैं कि पांच पित्त कौन से पित्त होते हैं और उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखते जाते हैं कि सबसे पहले पाचक पित्त का नाम आता है। पाचक पित्त नाम से ही हमको पता चलता है कि क्या काम होगा उसका। तो पाचक पित्त अर्थात खुराक का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाता है, भूख लगती है, भूख को पचाने का भी काम करता है, वो खुराक को पचाने का काम करता है। वो भी एक प्रकार का आग्नेय तत्व है, इसके लिए उसको पित्त, पाचक पित्त कहते हैं। वो सहायता करता है अग्नि को, जठराग्नि को, कि वो खुराक को पचाए, इसके लिए इसका नाम पाचक पित्त ऐसा रखा गया है। आमाशय में वो रहता है और पचाने का कार्य करता है, इसके लिए उसको पाचक पित्त कहा जाता है। वो एक प्रकार का पित्त है, वो जूस की तरह मिक्स होता है खुराक में, उसको गर्मी देता है और आगे की धातु बनने के लिए प्रक्रिया को सरलता प्रदान करता है। किस तरह से उसकी प्रक्रिया होती है हम आगे धातु की बात जब देखेंगे, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य की, तब हम ये बात अवश्य देखेंगे। अभी तो केवल इतना ही कि उसको पाचक पित्त कहते हैं। किसको पचाता है? तो खुराक को, अन्न को, जो हमने चार प्रकार के बताए हैं, लेह्य, चोष्य, पेय और खाद्य। तो ये चार प्रकार के अन्न, इसके लिए भगवान ने भी गीता में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। चार प्रकार के अन्न को मैं पचाता, क्या पचा, क्या बनकर पचाता हूं? अहम वैश्वानरो भूत्वा, मतलब वैश्वानर अग्नि बनकर मैं इसको पचाता हूं, उसमें ये पित्त सहाय करता है, पचाने में सहाय करता है, इसके लिए उसका नाम पाचक पित्त है। उसका स्थान भी हमने देख लिया, आमाशय है। आगे पक्वाशय में भी वो रहता है, आमाशय में भी रहता है, वो गति करता रहता है आमाशय से पक्वाशय की ओर। चार प्रकार के अन्न को पाचन करता है, ये भी हमने देखा। अब वो विकृत हो जाए तो क्या होता है? तो विकृत होने पर खास करके अपचन की बीमारियां होती है, जलन होती है, अम्ल पित्त होता है, ऊपर पित्त चढ़ जाता है। तो अनेक प्रकार के ऐसे विकार इसके विकृत होने पर होते हैं। शरीर में उष्णता लगना, ऊपर आना पित्त का, वो पाचक पित्त की विकृति से ही होता है। पाचक पित्त यदि बराबर कार्य करता रहे तो कोई पाचन में तकलीफ नहीं होती है,
इसके लिए इसका नाम पाचक पित्त है। दूसरे पित्त का नाम हम देखते हैं रंजक पित्त है। रंजक रक्तकरणात, खून में जो लाल रंग होता है उसका स्थान इसे स्प्लीन अर्थात प्लीहा बताया गया है। वो क्या करता है, खून को, खून में जो पित्त रहता है वो खून को लाल रंग प्रदान करने का काम करता है। रक्त प्रदानात, रक्त को प्रदान करना है, रक्तता प्रदानात, रक्तता को प्रदान करता है, अर्थात खून में जो लाल रंग है वो लाल रंग किसी की वजह से होता है तो वो रंजक पित्त की वजह से होता है। आज की परिभाषा में प्रायः प्रायः हीमोग्लोबिन जो होता है वो रंजक पित्त है। इसके लिए हम बहुत सारी औषधियां ऐसी देते हैं जो रंजक पित्त को शुद्ध करती है, बढ़ाती है। तो वो हीमोग्लोबिन जो हम कहते हैं जिसको, जो रक्तात्मिका रक्तवर्णात्मिकता है उसमें, तो वो प्रायः इसी तरह का कार्य वही ये रंजक पित्त का होता है। उसके ऊपर बहुत सारा कुछ आयुर्वेद में बताया गया है। और ये तब लिखा है जब 17वीं सदी तक तो विवाद चल रहा था कि ब्लड ऊपर से नीचे की ओर घूम रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ब्लड घूम भी रहा है या नहीं फिर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे विवाद थे। बुखार को भी खून का रोग माना जाता था और जब बुखार आ जाए तब उसको खून निकाला जाता था यूरोपियन कंट्रीज में, तब वो पता नहीं था कि खून को और बुखार में कोई संबंध नहीं है। खून बुखार का नहीं, अजीर्ण का, आम का रोग है। वो तब तक स्पष्टता ही नहीं थी बुखार के बारे में, जबकि आयुर्वेद ने खून कैसा है, कितने लीटर है एक शरीर में, कितना हो सकता है, कितना होना चाहिए, अधिक होता है तो क्या रोग, कम होता है तो क्या रोग, ये सारा विवरण कर दिया। आपको जानकर ये अवश्य आश्चर्य लगेगा कि खून कितना बॉडी में होना चाहिए उसका प्रमाण भी आयुर्वेद में अंजलि स्वरूप में लिखा है। सुश्रुत शरीर की हम बात लेंगे तब ये बताएंगे कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना खून होता है, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में भी वही बताते। तो पहले कैसे जान लिया कि पूरी शरीर में कितना खून होगा, कितनी मात्रा में होगा, कितनी अंजलि में होगा, तो ये बहुत बड़ा विज्ञान ये है। इसके लिए दूसरी बात बताई कि रंजक पित्त, रंजनात, रक्त को लालिमा प्रदान करता है, इसके लिए इसका नाम रंजक पित्त है। तीसरा, तीसरे पित्त का नाम साधक पित्त है। नाम ही ऐसा है कि जो साधक, जो साधना को बल देता है, उसका स्थान हृदय में माना गया है। उसको कार्य क्या है, उसके रंजक पित्त का कार्य जैसे हमने देखा उसको लाल रंग प्रदान करना, उस साधक पित्त का कार्य तेज ओज देना, साहस देना, दृढ़ देना, दृढ़ता देना, ये सभी साधक पित्त के कार्य होते। इसके लिए उसका नाम साधक पित्त ऐसा रखा गया है। तो ये साधना को सहाय करता है, इसके लिए उसका नाम साधक पित्त है। तो ये साधक पित्त भी बहुत महत्व का है। उससे उत्साह हो, उससे स्फूर्ति, कार्य करने, कार्य संपादन करने के लिए जो जो गुण चाहिए वो साधक पित्त में होता है, दृढ़ता, साहस इत्यादि। तो ये साधक पित्त का कार्य है, वो हमको उत्साह, शक्ति ये सभी प्रदान करता है ये पित्त। ये पित्त बिगड़ जाए तो आलस्य, तंद्रा, असह्यता, असहन, बोरिंग अर्थात ये बोर जो हो जाते हैं उसको, जामिता, ये सभी हो सकते हैं ये पित्त के विकृत होने से। इसका स्थान हृदय माना गया है। तो ये हमने देखा, वो साधक पित्त का देखा। चौथा पित्त है वो आलोचक पित्त है। लोचनम, लोचनम नाम है आंखों का। आलोचती अर्थात सूक्ष्म अवलोकन करता है।
तो उसका नाम आलोचक पित्त है और वो आंख में लोचन में रहता है। आप याद रख सकते हैं उसको, लोचन में रहने वाला आलोचक पित्त। लोचन अर्थात आंखें होती है और उसमें देखने का कार्य जो है वो तेज माना गया है, पित्त तेज है, इसके लिए आलोचक पित्त वो कार्य करता है। वर्षों से ये एक पजल है, वर्षों से एक प्रकार का हम कह सकते हैं रहस्य है कि आंख कैसे देखती है। बिंब प्रतिबिंबवाद से देखेंगे तो आंख वहां पर उस आंख का प्रकाश जाता है या वस्तु का प्रकाश आंख में आता है। इसके ऊपर दार्शनिकों ने बहुत चर्चाएं की है, बहुत विवाद है इसके ऊपर। प्राप्य प्रकाशकारित्वम और अप्राप्य प्रकाशकारित्वम, ऐसे दो मत है न्याय दर्शन। आंख वहां जाकर देखती है या उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आता है और वस्तु दिखाई देती है। वस्तु का रिफ्लेक्शन यदि आया और दिखाई दिया तो वस्तु उल्टी लगनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि एक दर्पण लगाया है और उसमें कोई वस्तु देखते हैं तो इस तरफ हो तो उस तरफ दिखती है, उस तरफ है तो उस तरफ दिखती है। वो आपको पता है, आप बाल कंघी करते हैं तो देखते हैं कि इस तरफ करते हैं तो इस तरफ दिखाई देता है। क्यों? बिंब प्रतिबिंबवाद से बिंब से उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो आंखों के बारे में ये पहली बार पता चला। पहली बार नेत्र का विज्ञान, आंखों का विज्ञान भारत में लिखा गया। राजा निमि जो जनक राजा के ही वंश में आए, उन्होंने नेत्र उसकी ख्याति थी कि वो नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। नेत्र के कितने रोग होते हैं वो उनको पता था। नेत्र के 76 रोग उन्होंने लिखे, 74 प्रकार के नेत्र रोग हो सकते हैं। आगे सुश्रुत मुनि ने भी उनके रोगों के नाम लिखे हैं। नेत्र के ऊपर सबसे पहले इतने प्रकार के अलग अलग नेत्र के रोग होते हैं, आंखों के रोग होते हैं, तो वो भी वहां बताया गया। आंखों के लिए आहार कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, वो भी बताया गया। आलोचक पित्त का काम, वो जो ज्योति है, जो तेज तत्व है, इसके लिए चक्षु तेजस इंद्रिय मानी गई। एक एक इंद्रिय में एक 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 भूत प्रधान होता है। जैसे घ्राणेन्द्रिय है उसमें पृथ्वी प्रधान है, रसन इंद्रिय में रस प्रधान है, रसना जल प्रधान है। उसी तरह से हम देखते हैं श्रोत्रेंद्रिय आकाश प्रधान इंद्रिय है। उसी तरह से हम देखते हैं कि त्वगिंद्रिय वात प्रधान इंद्रिय है और इसी तरह से चक्षु है वो तेज प्रधान इंद्रिय। वो रूप का ग्रहण काम करती है, एक काम है आलोचक पित्त का रूप का ग्रहण कर। जितने भी रूप है वो हमको उसका आइडेंटिफाई कराता है वो आलोचक पित्त। इसके लिए रक्तांधता जिसको नक्तांधता कहते हैं, नक्तांधता अर्थात रात्रि में नहीं दिखाई देना, ये पित्त की विकृति से भी हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, कलर ठीक से नहीं दिखाई देना, वो भी इसके कारण हो सकता है। तो आलोचक पित्त जो देखने का कार्य करता है, आंखों को दिखाने का कार्य, तो ये आलोचक पित्त के कार्य है। सालों पहले ये बताया गया कि आंखों में वो आलोचक पित्त वो तेज है, क्योंकि प्रकाशकारिता पर प्रकाशकारिता दूसरे को दिखाई देना, स्पष्ट दिखवाना, वो प्रकाश का कार्य है, वो तेज का कार्य। आलोचक पित्त आंख में रह करी, इसके लिए आंखों में क्या करना, क्या डालना, क्या नहीं डालना, इसका पूरा विवरण आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। आंखों के जटिल से आज मुझे एक बात याद आती है, ये बात आंखों की है, आंखों के रोगों की है। तो इसके लिए पूज्य गुरुवर्य ने कंजक्टिवाइटिस जब वाराणसी में हो गया था लगभग 95 में, तब उन्होंने सर्प के जो ऊपर की चमड़ी आती है केचुली, उसका धूप करा के कंजक्टिवाइटिस को, नहीं तो महामारी की तरफ फैल जाता पूरे भारत में, उसको कंजक्टिवाइटिस जो उसको आंख आना कहते हैं, एक से दूसरी आंख का संपर्क होता है 5-10 सेकेंड के लिए तो उसके वायरस प्रसर जाते, उतना उसका वायरस तीव्र गति वाला, आशु गति वाला होता है। और वो एक धूप से गए और एक चमत्कार हुआ और बाद में उसकी चर्चाएं भी हुई। तो आयुर्वेद में क्या क्या वर्णन है वो जब हम देखते जाते हैं तब हमको आश्चर्य के साथ गौरव की अनुभूति होती है कि आयुर्वेद में इतना कुछ बताया गया है। तो यह आलोचक पित्त है वो आंख में रहता है, लोचन में रहता है, आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। और अंतिम पित्त
वो प्राजक्त पित्त कहलाता है, तो वो चमक देने का काम करता प्राजनम, चमक देने का कार्य। स्किन जो चमकती है, स्किन में जो कलर आता है वो प्राजक पित्त के कारण आता है। किसी की स्किन चमकती हुई होती है, किसी की स्किन का कलर अच्छा होता है, उसका कारण उसमें रहने वाला प्राजक पित्त है। मेलिनिन जिसको एक तरह से कहते हैं, उसका कार्य है एक तत्व, उसकी बात भी बताई है। तो ये प्राजक पित्त पूरे पूरी की स्किन जहां जहां पर भी है वहां वहां इसका स्थान है प्राजक पित्त का। वो चमक देने का कार्य स्किन को करता है, स्किन को जो चमक। और आयुर्वेद ने स्किन के बारे में भी बहुत लिखा है। ल्यूकोडर्मा किसी को होता है, वो सफेद दाग कुष्ठ, श्वित्र कुष्ठ जिसको कहते हैं, वो आयुर्वेद में एक दो तीन चौथे लेयर का रोग माना गया है। और उसको वहां से वो दाग हटाने पड़ते हैं, उसकी स्किन नई नई आती जाती है, पुरानी चलती जाती है, तो चार पांच स्किन जाए उसके बाद ये दाग मिट जाता है, फफोले होते हैं और उसके बाद वो मिट जाता है। आयुर्वेद ने वर्षों पहले कुष्ठ का वर्णन किया है, स्किन के होने वाले रोगों का वर्णन किया है, उसमें प्रायः प्राजक पित्त की ही विकृति देखी गई। तो प्राजक पित्त की विकृति से क्या क्या होता है? मुख्यतः से स्किन के रोग होते हैं, मुख्यतः से वो स्किन दूषित हो जाती है, तो ये प्राजक पित्त दूषित होने के कारण होता है। वो स्किन में रहता है, वो चमक देने का कार्य करता है, इसके लिए इसका नाम प्राजक पित्त है। तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, ये पांच पित्त के नाम बताए हैं। एक पाचक पित्त है, एक रंजक पित्त है, एक साधक पित्त है, एक आलोचक पित्त है और एक भाजक पित्त। ये पांच पित्त ऐसे तेज पदार्थी है पित्त, और ये अलग अलग कार्य संपादन करते हैं, अलग अलग कार्य को करते हैं। तो हमने इसमें देखा कि पांच कफ है, पांच वात है और पांच पित्त है। इसको आप अच्छी तरह से अवगत कर दीजिए, अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिए, तो अच्छा आपको याद रहेगा कि कौन से पित्त है, कौन से कफ है और कौन से वात है, और क्या क्या कार्य हमारे शरीर पे करते हैं। तो शरीर को आप सूक्ष्मता से समझ पाएंगे, और जितना जितना हम सूक्ष्मता से समझते जाएंगे उतना उतना हमको क्या रोग है, क्या लक्षण है, क्या स्वास्थ्य है, वो भी समझ में आएगा। इसके परे तत्व भी, शरीर के परे कुछ तत्व है जिसको हम प्राण कहते हैं, प्राण के परे भी कोई तत्व है जिसको हम मन कहते हैं, मन के परे भी कोई तत्व है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि के परे भी कोई तत्व है जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा तक यात्रा सहज और सरल बनेगी। तो आयुर्वेद का ये नियम है कि धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। तो ये हमने स्थूल बातें यहाँ पर बताई, पांच पित्त की, पांच कफ की, पांच वात की। पहले त्रिदोष से शुरू हो, पंच महाभूते से शुरू होकर त्रिदोष पर आए। त्रिदोष में भी पांच 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 के प्रकार बताए, कफ के, पित्त के, वात के। आगे धातु का क्रम आ रहा है, धातु का भी एक बार बता दिया है हमने कि सात धातुएं हैं। तो उसके बारे में अभी डिटेल से हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, उसका विवरण करेंगे, कैसे वो धातु का कार्य होता है, धातु के मल क्या होते हैं, धातु की उपधातुएं क्या होती है, तो ये सभी हम बताने वाले हैं। तो अभी अगली बार में ये सब बताऊंगा, धातु, उपधातु, मल क्या होता है, धातुएं क्या होती है, उसकी प्रक्रिया समझाऊंगा। ये पांच पांच आप याद रख लीजिए, वात, पित्त और कफ के ये पांच पांच प्रकार है, उसको आपको आसानी रहेगी। इसके लिए हमने यहाँ पर विवरण दिया है उसका। अब आगे प्रश्न है तो कोई पूछ सकते हैं, ताकि हम आज प्रश्नोत्तरी ले सके। बहुत कालों से कोई ना कोई लोगों के प्रश्न रह जाते हैं आयुर्वेद के विषय में, तो आज प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं। अगली बार धातु, उपधातु और मल के बारे में हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। तो किसी को भी कोई प्रश्न हो आयुर्वेद के विषय, पहले के सम आ, आ, कोई सेशन के और इस सेशन के, लेकिन होने चाहिए आयुर्वेद के, क्योंकि आज का दिन हमने आयुर्वेद के लिए रखा है, तो आप आयुर्वेद के संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। जी, तो आपको पीछे वाला भाग समझ में आ जाएगा, जहां जहां पर भी प्रश्न है। जी नमस्ते आचार्य जी। जी मेरी दो प्रश्न है, एक वीर्य विरुद्ध में है, मुझे समझ नहीं आ रहा, वीर्य विरुद्ध का प्रश्न है।
वीर्य विरुद्ध में दो दो पदार्थ, गर्मी ठंडी जैसा पदार्थ एक ही साथ नहीं खाना है, ऐसा बता दिया, बताया था आप। इसका मतलब क्या है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहे। एक उदाहरण के वीर्य, लिए, एक मिनट, पहले हम वीर्य को समझे। वीर्य को इसके वीर्य को किसको कहते हैं कि जो पदार्थ में मैंने पहले बताया था कि अग्नि सोमात्मकम जगत, ये न्याय है। दो तत्वों में से कोई एक तत्व प्रधानता से रहेगा, कोई भी वस्तु में, कोई भी पदार्थ में, या अग्नि या चंद्र, क्योंकि ये दोनों से पूरे विश्व की निर्मिति हुई है, पूरे जगत की निर्मिति हुई है, उसी से सारी औषधियां बनी है। तो औषधियों में भी जिसका प्रभाव ज्यादा उसका वीर्य, जैसे सूर्य का प्रभाव ज्यादा तो उष्ण वीर्य होगी, और चंद्र का ज्यादा तो शीत वीर्य हो। तो कोई वो पता कैसे लगता है कि वो आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये शीत वीर्य है और ये उष्ण वीर्य है। वो अनेक प्रकार के प्रयोगों के बाद अनुभव के आधार पर बताया गया है। जैसे कोई वैज्ञानिक हमको बताता है कि इससे में प्रोटीन ज्यादा होता है मूंग में, दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है, इसमें विटामिन B12 होता है, इसमें ये होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें फैट होती है। तो वो कैसे होता है कि वो प्रयोगों के आधार पर कुछ एनालिसिस करके बताते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि पूरे के पूरे तत्व, जितने भी पदार्थ थे, वो या तो उष्ण वीर्य रहेंगे, उसमें सूर्य की प्रधानता रहेगी, या चंद्रमा की प्रधानता रहेगी। तो ये दोनों में से किसी की प्रधानता रही, या अग्नि की या सोम सोम की, तो वो एक उष्ण वीर्य होगा और दूसरी तरफ वो शीत वीर्य होगा। तो ये आप समझ सकते हैं आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार पर कि हाँ, ये पदार्थ उष्ण वीर्य है, अर्थात गर्म प्रकृति का थोड़ा बहुत, ये ठंडे प्रकृति का है। ज्यादातर आपको जो जलन देता हो, अग्नि तत्व जिसमें हो, जो ऐसा कार्य करता हो, जो स्पाइसी हो, वो उसका लगभग लगभग वो वस्तुएं सब उष्ण वीर्य रहेगी। जिसको खाने के बाद ठंडा लगता हो, जो एक प्रकार की ठंडक महसूस कराता हो, वो ज्यादातर वो के शीत वीर्य रहेगी। जैसे कि उसका उपयोग एलोपैथी ने भी किया पूरा, जैसे उष्ण वीर्य दवाई दी, उसके ऊपर दूध देने को बताया, क्योंकि एसिडिटी ना हो इसके लिए दूध देने को बताया कि आपको ये दवाई दूध के साथ देनी, क्योंकि गर्म लगेगी। लेकिन एक बात है कि वो गर्म लगेगी, उसके लिए उन्होंने दूध के ठंडे का, शीत वीर्य का प्रयोग किया, लेकिन गर्म दवाई के बाद ठंडा दूध पीना वो वीर्य विरुद्ध हो गया। एक अतिशय उष्ण दवाई और उसके ऊपर शीत दूध, तो ये साइंस वहां पर विरुद्धाहार का नहीं है, इसके लिए बताते हैं। लेकिन आयुर्वेद उष्णता को, मतलब देखिए, ये दूध है वो शीत वीर्य, क्योंकि लगता है हमको ठंडा, गर्मी को कम करता है, वो एलोपैथ वाले भी स्वीकारते हैं, तो इसके लिए वो वीर्य को स्वीकारा। हल्दी है, वो ज्यादातर आपको भी देखेंगे कि वो तीखा थोड़ी होगी, थोड़ी जलन को करेगी, ये सभी गुण है उष्ण वीर्य है। चटनी है, मिर्ची है, वो उष्ण वीर्य होगी। काली मिर्च है, उष्ण वीर्य होगी। सूंठ है, उष्ण वीर्य होगी। ऐसे अनेक चीजें जो आपको केवल देखकर अनुभव से भी पता लग सकता है कि ये लगभग उष्ण वीर्य हो सकती है, और कोई कोई वस्तुएं होगी जो शीत वीर्य हो सकती है, जो सोम का अंश ज्यादा है, ठंड का अंश ज्यादा है, तो वो शीत वीर्य होगी। ऐसे आप, ऐसे एक साधारण तरीके से तो आप थोड़ी चीजों का बता सकते हैं, लेकिन कोई कोई चीजों का हमको पता नहीं लगता है, क्योंकि बाहर अभिव्यक्ति उतनी नहीं होती है कि वो गर्म ठंडा पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ऋषि मुनियों ने हरेक के वीर्य लिख दिए कि उसको चाहे पता चले या न चले, लेकिन इतने जो वस्तुएं हैं, जैसे अम्ल क्षार का विभाग किया, अल्कलाइन और एसिडिक का, तो एक क्षारीय धर्म और अम्लीय धर्म, तो कितने वस्तुएं है वो अम्लीय धर्म है, एसिडिक है, और कितनी क्षारीय है। उसी तरह से कितनी जो वस्तुएं हैं वो ठंडी है, स्वभाव से ही ठंडी है, और कितनी स्वभाव से ही गर्म है, तो ये हो सकता है। तो ऐसी दो चीजें अवॉइड करें, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रूल है। केवल इतना नहीं है कि वीर्य विरुद्ध, मतलब कोई भी वीर्य विरुद्ध दो
उष्ण और शीत में हो जाएगी, कोई कोई का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, कोई कोई का कम होगा। तो ये वीर्य के बारे में तो इतना आपने जान लिया कि सोम और अग्नि और सोम को लेकर ये विभाग किए गए। जी आगे किसी का प्रश्न? हाँ नमस्ते गुरु जी। जी बोलिए। हाँ मेरा प्रश्न आपका जो पहले का लेक्चर था ना सड्रस भोजनम उनके ऊपर से है, तो मतलब तभी कहा गया था कि सड्रस भोजन है वो उत्तम रहता है भोजन, मतलब भोजन में सभी प्रकार के रस रहे तो अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे अभी ऋतु के अनुसार अगर हम चेंज करते हैं कि सपोज अभी शरद ऋतु है तो वहां पे हमको अम्ला रस नहीं लेना है, तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे, मतलब सड्रस भोजन अच्छा रहेगा कि वो रस नहीं लेना है ऐसे? सड्रस भोजन का आप यदि ऐसा अर्थ निकालते हैं कि एक थाली में ही सब रस आ जाए, एक टाइम के भोजन में ही, बराबर है? हाँ। तो ये ठीक नहीं है। ऑल ओवर 6 रसों का मिश्रण होना चाहिए। आप वो चाहे पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरी ऋतु में हो, बराबर है? तो ये एक सामान्य नियम है। अब ये नियम के अपवाद भी है क्योंकि वो अंत में एक ही बार ये केवल 6 रस का भोजन है, ये भोजन को ध्यान में रखते हुए बताया। अब आपको भी ध्यान में रखते हुए बताना पड़ेगा कि आपको कोई बीमारी है, ये स्वास्थ्य की बात है कि स्वस्थ व्यक्ति को क्या लेना है, षड रसाभ्यासो बल कराणा, चरक सूत्र है कि 6 रसों का भोजन स्वास्थ्य देने वाला, बल देने वाला होता है। अब आपको कोई रोग है मन, तो एक रस आपको छोड़ना पड़ेगा कोई भी, कोई विशेष रोग है तो कुछ रस छोड़ने पड़ेंगे। अब आप करते हैं कि आप ऋतु ऐसी है जो काल ऐसा है कि ऑलरेडी वो उस रस से कारण जो बढ़ने वाला है दोष है वो ज्यादा है, तो वो अपवाद में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले नियम तो ये है कि षड्रस भोजन, लेकिन सामान्य परिस्थिति। लेकिन ऋतु ऐसी है कि कोई रस छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी ऋतु में उसका ग्रहण ज्यादा हो जाने से ही आयुर्वेद में बताया है कि वो उसको छोड़ना है। तो इस तरह से षड्रस भोजन मतलब एक थाली में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक हफ्ते का, एक महीने का ऐसा हो कि अलग अलग भी भोजन रहे लेकिन उसमें 6 रसों का समन्वय हो जाए ताकि कोई रस की कमी ना हो। कोई हमेशा मीठा ही खाता है, कोई खट्टा ही ज्यादा खाता है, कोई नमकीन ही ज्यादा खाता है, तो ऐसा नहीं है, सबका समन्वय होना चाहिए। हो सकता है आप दाल भात केवल दोपहर में लो तो 2 ही रस या 4 ही रस लिए आपने, लेकिन 2 की जो कड़वा रस नहीं लिया वो दूसरे कोई भी समय ले सकते, चूर्ण ले सकते है या और कोई करेला का सब्जी, ऐसे कोई सब्जी ले सकते है। तो इस तरह से आप आयोजन कर सकते है, एक थाली में न हो सके लेकिन अलग अलग समय पर पूरे हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में पूरे रसों का समन्वय कर सकते। जी नमस्कार गुरुजी। वो जठराग्नि और पित्त रस दोनों एक है या अलग अलग? और जठराग्नि और आपने बोला था वायु पित्त रस, पित्त रस जो पित्ताशय में पैदा होता, जी वो दोनों अलग 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 है या एक ही है? जठराग्नि का आयुर्वेद में वर्णन है, जठर में रहने वाला अग्नि, उसकी तिल की जैसी परिमाण बताया गया है, वो अग्नि की फॉर्म के जैसा ही फॉर्म है उसका, वो वैश्वानर अग्नि की बात है, वो अलग है, और ये उसको सहायता करने के लिए जो ज्यूस जैसा पदार्थ है उसको पित्त कहते हैं। तो ये दोनों अग्नि और ये दोनों अलग अलग है। इसमें भी विचार किया गया है एलोपैथी में भी या मॉडर्न साइंस में, पर उसमें अग्नि का विचार नहीं किया गया है। आयुर्वेद में ये विशेषता है कि ये पित्त ये आग्नेय है, अग्नि तत्व से बना है, लेकिन जठराग्नि है वो अलग फॉर्म में है, वो अग्नि अलग है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। उसकी बात 13 अग्नि की हम बात लेंगे तब ये बात लेने ही वाले है कि 5 महाभौतिक अग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि, ऐसे मिलकर आयुर्वेद की दृष्टि से 13 अग्नि होती है। तो ये दोनों अलग अलग है, 5 पित्त वो अलग है और ये 13 अग्नि वो भी अलग है। जी प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी ये पाचक पित्त से संबंधित प्रश्न है,
ये जो पेट है, लेकिन तो क्या ये पाचक पित्त बिगड़ने से मुंह में घाव आ जाते हैं वो, और जिससे खाने में असुविधा होती है, और इसको शमन करने के लिए क्या भोज्य पदार्थ लिए जाए, और क्या अभिपत्तिकर चूर्ण लेने से भी ये शांत हो सकता है? देखिए इसमें ऐसा है कि पेट गर्म होता है, पूरे शरीर ठंडी रहती है सर। पाचक पित्त की गड़बड़ी के हिसाब से वो पूरा का पूरा जब ऊर्ध्वगमल पित्त बनता है तो पूरे शरीर में ऊर्ध्वता को गति करता है, ऊर्ध्वता से मतलब शरीर में ऊर्ध्वता से गति करता है, ऊपर आता है, उसके कारण छाले पड़ते हैं। तो बहुत सारे कारण है, उसमें से एक कारण ये भी है कि इसके कारण भी छाले पड़ते हैं। तो ये तो एक हो गया कि हाँ इसके कारण पड़ते, इसके विकृति के कारण पड़ते। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करें? तो उसको ठीक करने के लिए जैसे आपने बताया कि अभिपत्तिकर चूर्ण है जो पित्त विरेचन करता है, क्योंकि पित्त का हमेशा विरेचन अच्छा रहता है, वो ऊर्ध्व आया है तो उसको अधो मार्ग से निकाला जाता है। इसके लिए उसके सबसे अच्छा है पित्त का विरेचन कराना, अर्थात आपको पता है वमनम कफनाशाय पित्तनाशाय विरेचन, पित्त का नाश करना है तो विरेचन का एक कर्म होता है वो करना होता है। तो एक तो विरेचन करे वो अच्छा है। फिर आयुर्वेद में कुछ औषधियां ऐसी बताई है जो पाचक पित्त के ऊपर बहुत अच्छा कार्य करती है। पाचन आप ठीक करेंगे तो भी ये काम अच्छा हो सकता है, तो ऐसी पाचक औषधियां भी आप ले सकते हैं जी। तो ये पाचक पित्त का मूलभूत तरीके का, आप इस तरह से अभिपत्तिकर चूर्ण या कोई भी ऐसा चूर्ण जो आपको प्रकृति के अनुसार हो वो लेकर पित्त का विरेचन कर सकते हैं, तो इससे आपको फायदा होगा। तब जी आगे गुरुजी नमस्कार। मैं दो प्रश्न है सर। एक तो ये पूछना था, जैसे आपने अलग अलग जो पित्त बताया था, साधक पित्त है, तो अगर हमें साधक पित्त बढ़ाना है तो मान लीजिए साधना में मन नहीं लगता, फोकस कम है, निश्चय कम है, ये देखकर तो अगर हम इसको बढ़ाना तो हम केवल यही पित्त बढ़े ऐसा कैसे करेंगे? ये तो बहुत अच्छा है, जैसा पिट्यूटरी, इसका देखिए इसका संबंध है वो अलग अलग ग्रंथियों से है। आयुर्वेद में ग्रंथियों भी चर्चा की गई है, और ग्रंथियों के जो दो प्रकार के स्राव होते हैं, एक बहिर्स्राव और एक अंतःस्राव, तो ये आयुर्वेद में जो बताया गया है, मॉडर्न साइंस अभी वहां तक पहुंचने लगा है। तो आयुर्वेद ने ये पहले बताया कि ग्रंथियों के भी कोई स्राव होते हैं। देखिए जब पता ही नहीं था हड्डी कितनी होती है, या शरीर कैसे चलता है, या खून भी कितना होता है कि होता है कि नहीं है, उस समय ये बताया गया कि ग्रंथियों की बात बताई गई कि एकदम सूक्ष्म है, और उसके फिर स्राव होते हैं वो बताया गया। वो स्राव भी दो प्रकार के, एक अंतस्राव और एक बहिस्राव। उसमें अंतस्राव जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, उसको आयुर्वेद में पीयूष ग्रंथि कहा गया है, साधक पित्त का वहां से संबंध है। इसके लिए जब आप क्रोधी हो जाते हो तो आपका पूरा का पूरा पित्त है वो ओवरफ्लो की तरह पूरे व्याप्त हो जाता है, मतलब अपना स्थान छोड़ता है, आगे चलता है साधक पित्त। इसके लिए आप देखिए जब क्रोधी होते हैं तब हम कुछ अच्छा सोच नहीं सकते हैं, कोई भी काम आपका बुद्धि का करना है तो आप नहीं कर सकते हो जब आप क्रोधी होते हो, और शरीर का काम आप दुगना कर सकते हो जब क्रोधी होते हो। आपको पता है कोई क्रोधी हुआ और किसी ने मतलब मार दिया तो इतना नहीं मारेगा, और डबल लगेगा उसको। आपको पता है कि कभी क्रोधी हो गया और दौड़ने लगा व्यक्ति तो वो दुगनी स्पीड से दौड़ सकता है, कभी कोई चीज वो उठा नहीं सकता है लेकिन क्रोधी हो गया तो उठा कर पटक देखा। हमने ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं, क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा पूरी की पूरी पित्त के रूप में उसको लगती है, लेकिन उसके बाद में उसको बहुत हानि शरीर को होती है, जो ब्लड में जो उष्णता आती है उससे बहुत ही नुकसान होता है, आज के साइंस ने भी स्वीकार किया है। तो इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहला है कि आयुर्वेद में सद वृत्त का और पालन, स्वस्थ वृत्त का अलग है और सद वृत्त का अलग है, स्वस्थ वृत्त और सदवृत्त ये दोनों है आयुर्वेद में। और रसायन है कि जो 100 200 500 1000 में खरीद सकते हैं, जैसे मेध्य रसायनम है, च्यवनप्राश है, ऐसे रसायनम है जो आप खरीद सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे रसायन है जो
जो खरीद नहीं सकता है व्यक्ति, जो जीवन में लाना पड़ेगा, उसको आचार रसायन बताया गया है। आयुर्वेद में इसकी बड़ी चर्चा है। तो सबसे पहले अक्रोधी, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष वगैरह से मन को मुक्त रखना, इसके लिए वैद्य के गुणों में ये सब बताया है कि ये सद्वृत्त होना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद की दृष्टि से वैद्य कोई प्रोफेशन नहीं, वो बहुत कुछ ऊपर की जीवन धारा है। तो इसके लिए साधक पित्त को बढ़ाना है तो संकल्प को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है संकल्प, जितना हमारा दृढ़ होगा उतना साधक पित्त बढ़ता जाएगा, जितना साधक पित्त बढ़ेगा उतनी साधना बढ़ती जाएगी। तो संकल्प कुछ बढ़ा ले तो वो साधक बहुत सहायता करता है। जिसके पास संकल्प नहीं है वो कोई भी काम कंटिन्यूस ऐसे कोई इंस्पिरेशन के बिना, भौतिक इंस्पिरेशन के बिना नहीं कर सकता है। तो ये एक आप ये करिए कि साधक पित्त बढ़ाने के लिए ध्यान वगैरह बताया है, आज्ञा चक्र वगैरह में ध्यान कर सकते हैं। तो ये साधक पित्त बढ़ाने के लिए ध्यान है, संकल्प है, सात्विक आहार है, ये सब साधक पित्त को बढ़ाने वाली वस्तु बताइए। क्रोध है, ईर्ष्या है, मत्सर है, द्वेष है, चंचलता है, ये सब साधक पित्त के विपरीत बात, साधक पित्त को घटाने वाली चीजें बताई गई है। आजकल रोगों में रजोगुण बहुत बढ़ गया है, मन की प्रवृत्ति इधर जाना उधर जाना, उधर पढ़ना उधर, 50 विषय हम दिन में पढ़ते हैं, उससे नुकसान क्या होता है, एक जगह पर हम इतना गहराई से सोच नहीं सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में भी बताया है कि साधक पित्त को दृढ़ करो तो प्रज्ञा का जन्म होता है। तो ये साधक पित्त के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जी सर, दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हम कि जो हमारे कुछ लोगों को पाचन में परेशानी होती है और उनके तो समझ में आता है कि उनके पित्त जो है ऊपर आ रहा है, गले में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन उनका डाइजेशन स्लो भी होता है, यानी कि उनको 5-6 घंटे तक डाइजेशन होगा, तो उसमें पित्त की क्वालिटी गिर गई है, पित्त ज्यादा है, पित्त कम है, ये समझने में कठिनाई इसलिए होती है कि ये पित्त की ही विकृति कही जाती है। तो वो पित्त की विकृति अनेक प्रकार से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो आपको सामने दिखाई दे कि ऐसा हुआ है, लेकिन विकृति की वजह से वो ऊपर आ रहा हो, पाचन धीमा पड़ रहा हो, अपचन हुआ हो, तो हो सकता है पित्त के साथ कुछ और भी हो सकता है, वात की भी विकृति हो सकती है, लेकिन पित्त की विकृति तो आपको अनुमान लग सकता है कि यहाँ जलन होगी, डकारे आएगी, खट्टा लिक्विड जैसा निकलेगा पित्त वर्ण का। तो 2-3 दोषों की वजह से भी हो सकता है, अकेले पित्त से ही होगा वो तो नहीं कह सकते, वो आप लक्षण पूरे देखेंगे और तो आपको पता चलेगा कि ये वात की विकृति है, पित्त की है कि दोनों की है। जी आगे दीपेन, दीपेन भाई। हाँ गुरु जी, जैसे पित्त का स्थान हम देखते हैं तो पेट के आसपास होता है, मतलब पेट लीवर, किस पित्त का, पाचक पित्त का ना। हाँ आप तो एक, एक पित्त का पर्टिकुलर कीजिए नाम, तो पाचक पित्त की बात कर रहे हैं, आमाशय पे अधोभाग में, वो हाँ। समझ गया मैं, ठीक है आगे बोलिए। तो मतलब जैसे इंटेस्टाइन का जो भी रोग है, जैसे टाइफॉइड है, फिर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग होती है, तो वो सब पित्त की विकृति से होते हैं या वात की विकृति से, वो बैक्टीरिया से तो होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक अगर हम आयुर्वेद में मतलब फिर इसका इलाज देखें कि कोई भी इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे डील करना चाहिए, और फिर इंटेस्टाइन अच्छी तरह से चले मतलब, तो उसके लिए अगर कोई औषधि भी अगर आप कह सकते तो अच्छा। देखिए छोटी आंत्र का जो स्थान है वो मतलब पाचक पित्त का है, और वहां पर से ही वो मार्ग लेकर वो पाचन का कार्य होता है, वो मैंने पहले बताया, आमाशय से लेकर ग्रहणी से लेकर छोटे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटे आंत्र तक का जो भाग है वो। तो इसमें तो ये पित्त है, ये पित्त विकृत होने से भी बहुत बीमारियां होगी, लीवर की भी बीमारी हो सकती है, हमको पता है ये। तो इसके लिए तो एक ही दोष केवल है ऐसा नहीं है आयुर्वेद में, देखो एक रोग के कारण अनेक हो सकते हैं, पित्त की विकृति भी हो सकती है, वात की भी विकृति हो सकती है, कुछ कफ की भी विकृति हो सकती है, कुछ
और भी हो सकता है। तो मुख्यतः से आप देखें तो पित्त विकृति की वजह से ये होता है, ये बात सही है। तो उसको ठीक करने के लिए, जो पाचक ठीक करने के लिए औषधियां बताई है, पाचक पित्त को ठीक करती है, पचाती है या तो पाचन में मदद करती है, तो पहले तो ऐसा आहार लेना है जो आंत्र को जो क्रियाएं है वो सरलता से हो सके। इसके लिए लघु भोजन बताया है, पिष्ट अन्न को छोड़ना है, आटा को छोड़ देना है, वो जमने का काम करता है। तो या तो फिर जौ का, ज्वारी का ले सकते हैं, गेहूं छोड़ना है, उसमें चिकनापन ज्यादा होता है। तो आपको किस, फिर अलग 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 प्रकार के आयुर्वेद में औषधियां बताइए, उसमें हरड़ सबसे अच्छा काम करती है, या आप त्रिफला ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आंत्र की क्रिया को नियमित करता है, ऐसी कोई औषधि आप नियमित रूप से सेवनीय औषधियां उसको ले सकते हैं, तो आंत्र की क्रिया बराबर रहेगी। आयुर्वेद में उसके लिए बस्तियां भी बताई है, आयुर्वेद में और सारे मना भी किया है कि इसके विपरीत औषध न ले, अर्थात एलोपैथी की दवाई है तो वो हम जब डायरिया होता है तो लेते हैं तो आंत्र की क्रिया को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि एकदम डायरिया को रोक देता है, तो पानी को सुखा लेता है आंत्र से। तो ऐसी भी चीजें बहुत सारी है जो हम मानते हैं दवाई, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट से भी आंत्र की क्रिया डिस्टर्ब होती है। हम जब मल या मूत्र का आवेग रोकते हैं तो भी उसको नुकसान होता है। तो ऐसी सब चीजें छोड़कर यदि कुछ औषधियां ली जाए तो आंत्र की क्रिया बराबर रहेगी जी। और कोई अंजलि जी, प्रणाम आचार्य जी, आयुर्वेद में ऐसा कौन सा रस लिया जाए जिससे कि आंखों की रोशनी बनी रहे और अगर कम भी हो गई हो तो वो फिर से ठीक हो जाए? आयुर्वेद में खास करके आंखों के लिए कुछ विशेष औषधियां नेत्र के लिए बताई गई है। तो सबसे पहली तो बात ये कि इसके लिए एक सब्जी बताई गई है जिसका नाम है जीवंती। चरक मुनि ने अपने सूत्रों में बताया है कि जीवंती शाकम शाकानाम, जीवंती का शाक वो सभी शाकों में श्रेष्ठ है, सभी सब्जियों में श्रेष्ठ है। उसकी भाजी होती है, उसके बीज हम अगले साल से देने वाले हैं जिसको भी बोना है, ऐसे अलग अलग वनस्पतियों के बीज हम देने वाले हैं फ्री, तो इसके कारण वो वहां पर बो सकता है। तो घर पे ही वो सब्जी उग सकती है, आपके टेरेस पर उग सकती है वो जीवंती की भाजी। वो अति उत्तम चक्षुष्य है अर्थात, तो ये एक हो गई कि चक्षुष्य गुण वाले ये है। दूसरी जब हम बात करते हैं तो त्रिफला होता है, तो आंखें त्रिफला दातेलू पेट न भरवू चारे कुण। गुजराती में एक कहावत है कि आंखें त्रिफला दातेलू, आंखों के लिए त्रिफला, दांतों के लिए नमक, और पेट को नहीं भरना आप पूरा, मतलब चारों खून चारों कोने को भर नहीं देना। तो ये बताया है स्वस्थ वृद्ध का पहला नियम, क्या कि आंखें त्रिफला, आंखों में त्रिफला के पानी को छंटाना, थोड़ा 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 आंखों को धीरे 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 आंखों त्रिफला को भिगो देना, सुबह वो त्रिफला के पानी से आंखों को साफ करना, वो बहुत अच्छा रहता है। त्रिफला का सेवन भी बहुत अच्छा बताया गया है। आगे जाकर अनेक प्रकार की औषधियां आंख में डालने के लिए बताई गई, मुख्यतः से वो तीक्ष्ण और उष्ण हो तो कौन सी हो वो जानकर देना है। तो इसके लिए कुछ अंजन बताए हैं, गुलाब जल का प्रयोग बताया गया है, नेत्रांजन के लिए पलाशांजन बताया गया है, जो अर्क आता है, हम नेत्र सुदर्शन अर्क बनाते हैं उसका, पलाशांजन बनाते हैं उसका, तो वो बताया गया है। दूसरा, ये तो मैंने केवल थोड़ी औषधियां बताई, त्रिफला घृत भी बताया गया, त्रिफला का चूर्ण भी बताया गया, वो बहुत अच्छा है, बहुत लोग उसको ले सकते, त्रिफला की गोली ले सकते हैं। खास करके नेत्र पोषक विहार कौन सा है, तो सुबह लोंट के ऊपर चलना बराबर है, तो वो एक ऐसी, एक गुरुजी रमूज में कहते थे कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज वाला व्यक्ति, मतलब दो तीन फैक्ट्रिया थी, हो गया तो बोले कि डॉक्टर को जाता था जांच कराने के लिए, तो कुछ तकलीफें थी, अब आंख की भी थी, पेट की भी थी, हृदय की भी थी, कोई इतना रिपोर्ट्स लेकर आते हैं कि भाई देख लो इसमें, तो हम पता नहीं चलता है कि ये सब है, उसको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है। तो गुरुजी पूछते थे कि अब आप ये बता दो कि केवल आपको क्या है नहीं वो बताओ, बस वो मुझे आपसे जानना है कि आप किस एंगल से आप स्वस्थ हो बता दो, कि भाई आपको क्या रोग नहीं है जो फेमस है वो। तो उस तरह से वो सब लेकर गया, डॉक्टर ने कहा कि लोन पर चलो,
तो बोला कि लोन पे चला, तब तो ये हालत हो गई है, लोन पे ही चल रहा हूँ अभी। तो लोन मतलब ये लोन नहीं लेनी है, लेकिन जो हम उगाते हैं घास ग्रास सुबह उसके ऊपर चलना, ये आयुर्वेद में बताए श्रेष्ठ नेत्र पोषक विहार है। दूसरा नेत्र पोषक विहार नेत्र को तर्पण करने वाला वो है हमारे पैरों में एक नेत्र पोषिका नाड़ी होती है जो पैरों के तलवे में होती है, दोनों पैरों के तलवे में वो नेत्र पोषिका नाड़ी है। अब आज आई सर्जन के पास जाएंगे तो वो ऊपर के भाग का ही डॉक्टर है मतलब, तो उसको बताएंगे कि पैरों के तलवे की नस में भी कुछ नेत्र पोषक है तो आश्चर्य लगेगा, लेकिन है। नेत्र पोषिका नाड़ी दोनों पैरों के तलवे पर है, वहां एरंड तेल का मालिश करना। कैसे करना? कटोरा कांसे का लेना, कांसे के कटोरे से अपने पैरों के जो तलवे है उसमें एरंड तेल का मसाज करना, वो श्रेष्ठ नेत्र तर्पण की बात, नेत्र पोषक विहार है अर्थात नेत्र को पोषण देने वाला है। आप याद रख लीजिए, इसे बहुत फायदा हुआ है बहुत लोगों को, ये श्रेष्ठ नेत्र पोषक विहार है। तो ये दूसरा कर सकते हैं, पैरों के तलवे पर मसाज करना एरंड तेल से, वो भी कांसे के बर्तन से, कांसे के कटोरे से किया तो पूरा काला हो जाएगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आंखों की जलन हो गई, आंखों में से पानी निकलना ये कम हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा, माथे पर रोज अभ्यंग करना, तेल डालना माथे पर, माथे पर तेल अवश्य ही डालना चाहिए, तेल डाले बिना बाहर नहीं जाना चाहिए, वो सूर्य का ताप सीधा माथे पर लगता है, तेल नहीं होगा तो वो बहुत उष्णता देगा माथे को। इसके लिए अभी जो फैशन के नाम पर जो ड्राई ये रखने की आदत हो गई है सबको, हेयर रखने की, बाल ऐसे ही है, तेल नहीं डाला है, वो एक फैशन मानी जाती है कि बाल उड़ते हैं तो लगता है कि वाह क्या हीरो है, तो इसके लिए वो बहुत गलत आदत है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि नेत्र शिरो अभ्यंग माथे पर रोज तेल डालना चाहिए, तो इसके लिए ये से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है अच्छी रहती है। तो ये एक बात बताई है। खास करके चप्पल वगैरह पहनने में ध्यान रखना चाहिए कि वो प्लास्टिक के ना हो, प्लास्टिक के चप्पल यदि गर्म होते हैं उसके ऊपर हम पैर डालते हैं नेत्रों को नुकसान करता है, तो ये भी एक ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक के चप्पल ना पहने, अति गर्मी में नंगे पाँव ना घूमे, तो ये सभी आहार विहार है वो नेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। जीवंती की कैप्सूल भी आती है, जीवंती की सब्जी भी होती है, वो भी आप खा सकते हैं। जी आगे। हाँ जी गुरुजी, मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः जी। जी मैं आहार विहार के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था खाने के समय में जैसे पानी नहीं पीना है, तो छाछ जो है, छाछ तो पी सकते हैं खाने के समय, लंच के टाइम में। मैंने एक मिनट, मैंने ये नहीं बताया खाते खाते पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं बताया, खाते खाते पानी पीना है बीच में, मध्य पानम तु अमृतम ऐसा बताया है। इसके लिए पहले नहीं पीना है बाद में नहीं पीना है, ये छाछ पी सकते है बाद में। छाछ में खाने के साथ में या खाने के बाद? बाद पिए तो अच्छा है, खाने के साथ ज्यादा लिक्विड पदार्थ लेंगे तो क्या होगा कि वो ठंडा यदि होगा तो उसको चबा नहीं सकते आप ज्यादा देर तक। जैसे आयुर्वेद में बताया है एक ही जो निवाला लिया उसको 32 बार चबाना है, ऐसा तो आइडियल है लेकिन चबा नहीं पाते, तो भी कम से कम 20-25 बार चबाना होता है, वो चबा नहीं पाते। जब आप एक निवाले के साथ उसके साथ कोई लिक्विड ले लेते हैं, वो भी ठंडा लिक्विड, इसके लिए छाछ इस दृष्टि से बाद में लेनी है। इसके लिए भोजनांते खलु तक्रम तक्रांतम खलु भोजनम, ये सभी बातें में छाछ को अंत में रखी है, क्योंकि साथ में लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं, वो पूरा चबा नहीं पाएंगे, वो अंदर धक्का दे देगा आहार। आप आहार का विज्ञान समझिए, पूरा आहार आप चबा रहे उसके ऊपर आप ठंडा कोई लिक्विड लेते हैं, वो चबा नहीं पाएंगे, वो धक्का दे देगा अंदर चला जाएगा, तो चबाए बिना अंदर चला जाएगा तो अजीर्ण होगा। तो ये भी एक सूक्ष्मता है आयुर्वेद की कि वो हरेक वस्तु को देखता है, तो इसके लिए बीच में छाछ न ले वो अच्छा है, अंत में ही छाछ ले। जी रविंदर जी, मेरा प्रश्न था विरुद्ध आहार, जैसा कि आपने बताया था केला और दूध है वो विरुद्ध के अंदर आता है, तो ये कौन से विरुद्ध के अंदर आता है? केला और दूध दोनों भारी है इसलिए नहीं लेना या कोई और कारण है? नहीं, उसका तो हम विरुद्ध में बात करने वाले हैं, संयोग विरुद्ध में उसका उदाहरण है, दो पदार्थ स्वभाव से ही विरुद्ध हो मतलब, तो इसको कहते संयोग विरुद्ध। ऐसे
ऐसे हो गया जैसे आपने नींबू या कोई भी एसिड आपने दूध में डाल दिया, दूध फट गया, आप समझ गए ना। तो दूध क्यों ऐसा हो गया कि फट गया, पानी क्यों नहीं फटा, तो ऐसा स्वभाव है। पानी और तेल क्यों मिक्स नहीं हुआ, स्वभाव है। तो इस तरह से दूध और केला और संयोग दोनों का विरुद्ध है, केले के नहीं अनेक फल, उसमें केवल एक अपवाद है आंवला, दूसरा शाखा पक्व आम, ये दो अपवाद है, लेकिन बाकी सब फल है वो दूध के साथ विरोध में जाएंगे। लेकिन केला उतना विरोध में नहीं जाएगा जितना विरोध में मौसम्बी जाएगी, वो भी आप ध्यान रखें। सभी फल एक ही प्रकार का विरोध नहीं करते हैं, केला कम विरोधी है क्योंकि उसमें अम्लता नहीं है, केले में रस नहीं है केले में, लेकिन रस वाले फल वो भी अम्ल फल वो ज्यादा विरोधी है, तो वो बहुत सारे करते हैं नुकसान, केला उतना नुकसान नहीं करेगा। तो ये संयोग विरुद्ध में आएगा, दोनों का संयोग ये विरुद्ध है, इसके लिए उसका उदाहरण संयोग विरुद्ध में दिया गया है। जी रविंदर जी, आचार्य जी, जी मेरा विरुद्ध आहार के बारे में प्रश्न है। जैसे कई गांव में मैंने देखा है जैसे खिचड़ी बनाते हैं बाजरे की, तो शाम को दूध और जो छाछ होती है वो लेते हैं साथ में, तो क्या वो विरुद्ध माना जाएगा वो आहार? अब देखिए वो आप जो बनाते हैं वो तो सौराष्ट्र में पूरा हमारा गुजरात ऐसा ही खाता है, छाछ खिचड़ी में नमक होता है और दूध उसके ऊपर लेते, तो दूध और खिचड़ी विरुद्ध हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि नमक के कारण, दूसरा मूंग के कारण भी विरुद्ध हो जाते हैं। तो लेकिन ये प्रदेश साथ में होता है, कोई कोई प्रदेश ऐसा करता हो इसलिए उसको देखकर दूसरे प्रदेश ने नहीं करना है ऐसा। और सभी आचार हमारे हैं जो पहले होते थे वो सभी प्रमाण होते थे और सभी ही ठीक थे ऐसा भी नहीं है, तो बहुत कुछ बदलाव की भी आवश्यकता रहती है, तो इसके लिए वो ठीक नहीं है। वो प्रदेश पूरा का पूरा जब प्रदेश खाने लगता है, पूरे के पूरा प्रदेश साथ में हो जाता है, बात अलग है कि उसको कोई इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये है तो बराबर नहीं। इसके लिए दूसरे लोगों को वो नहीं करना चाहिए देखकर कि वो भी विरुद्ध का सेवन करने लगे। तो पहले ये लोग कहते कि पहले के लोग तो ऐसा करते थे, पहले के लोग तो वैसा करते थे, लेकिन पहले के लोग मतलब कितने पहले के आप कहते हो, गत पीढ़ी में तो बहुत गलतियां थी, तो उसकी दो पीढ़ी के पहले उसमें भी बहुत गलतियां थी। वो सारा जो इतिहास मौजूद है हमारे पास वो 200 साल का है, वहां पर गुरुकुल शिक्षा नहीं, ये आयुर्वेद का पतन अधपतन, आयुर्वेद की उपेक्षा, ये सब ये काल में हुआ है। तो बहुत सारी परंपराएं में ऐसा है जो आयुर्वेद के विरुद्ध है, तो भी वो चल रही है समाज में और वो भी बुजुर्ग कर रहे थे। तो हो सकता है अभी हमको नई दृष्टि मिली, नया ज्ञान मिला और प्राचीन शास्त्रों में देखा कि भैया ऐसा होता, तो वो ज्यादा प्रमाण है, ये अभी मॉडर्न काल का है। तो इसके लिए कोई गांव में खिचड़ी दूध खाया जाता है तो वो एक रिवाज था, एक परंपरा पड़ गई है, लेकिन ऐसे दूसरों को चालू नहीं करना चाहिए। आगे श्रीनिवास जी, गुरुजी नमस्कार। ये चंचलता जो है तो इट इंक्रीजेस द इनडिसिजनेस, जैसा बहुत सारा आदमी लोग डिसीजन ले नहीं ले पाएंगे या ऐसा कुछ, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिजीज। यस, ये देखिए ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक प्रकार का स्वभाव है। तो ये हम जब प्रकृति के बारे में देखेंगे कि किसी का ऐसा प्रकृति होती है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं वो क्वालिटीज को, वो देखेंगे। लेकिन ये प्रकृति के भेदों में है, तो ये प्रकृति के भेद आयुर्वेद में बताए हैं। जो मानसिक प्रकृति होती है वो सात सात्विक प्रकृति, छह राजस प्रकृति और तीन तामस प्रकृति, उसमें से जो मानसिकता जिसकी इतनी नहीं है, मनोविकृति है, वायु की बहुत ज्यादा है, वात प्रकृति हो किसी की, तो ज्यादातर चंचल देखने को मिलते हैं। और चंचल होने के कारण चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, तो चल वात होता है तो चित्त भी चलित हो जाता है, तो निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हम पहले से ही बताते हैं कि संकल्प का होना बहुत आवश्यक है जीवन में, उससे चित्त भी स्थिर होता है, वात भी स्थिर हो जाता है कोई संकल्प लिया तो। इसके लिए नियमितता का, इसके लिए ये सब स्वाध्याय का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारा मन उस तरफ लगा रहे, तो इसके लिए ये आप बदल सकते हैं उसको, लेकिन वो प्रकृति के अनुसार हम क्या क्या हम कर सकते हैं वो बात करेंगे। वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो ऐसा रोग नहीं है जैसा कोई टीबी हो, लेकिन
इसके कारण बहुत सारे रोग हो सकते हैं। आगे आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। हाँ मेरे औरत को क्या है जो सफेद से निकलता है वो आ रहा है, वो कफ बढ़ने के वजह से हो रहा है या पित्त के वजह से हो रहा है आचार्य जी? ये 8-10 साल से परेशान है, इसका अच्छा। क्या कर सकते हैं? ये पर्सनल प्रश्न है भैया, इसके लिए कल आप 3 से 5 बजे तक मुझे पूछ लीजिए, रिपोर्ट वगैरह में पूछूंगा वो भेज दीजिए, तो मैं उसका प्रयत्न करता हूँ कि उसको कौन सा डिजीज है। आप ये पर्सनल प्रश्न है तो कल आप 3 से 5 बजे तक मुझे पूछ लीजिए, ठीक है? और दूसरा ये आप कोई भी प्रश्न पूछ रहे वो ध्यान रखे, कम से कम शब्दों में अपनी बात रखे व्हाट्सएप में, क्योंकि ये मैं समझता हूँ आज आपको बता दूं सब। एक दिन कदाचित क्रम ना आए तो धैर्य रखे, दूसरे दिन आपका क्रम आ ही जाएगा। कदाचित कोई विशेष कार्य आ गया, कदाचित बहुत लोगों के फोन आ गए, तो ये मैं जैसे थोड़ा सोचना होता है आपको, जो आए मन में वो नहीं बताना होता है। मैं सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको कौन से दोष का विकृति होगा होगा कौन सा। तो इसमें कोई माइंड का उपयोग होता है, ये सोचिए आप थोड़ा, इसके लिए कम से कम बात रखें। दूसरा, चिकित्सा के अलावा और कोई बात न करे उस टाइम, गुरुकुल में कितने विद्यार्थी है क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी बात उस टाइम न करे, समझ गए आप? सीधी बात अपनी शुरू करें और सीधी पूरी करें। आपको मानना है कि 1 मिनट में 100 रुपए का मुझे बिल आता है या 1000 रुपए का बिल आता है, तो आप कितनी देर बात करते हैं उतनी देर आपको बात करनी, अपनी समस्या रखनी है। मेरे को व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप कर दे, दवाई कहाँ मिलेगी नंबर दिया हुआ होता है, कैसे आएगी वो मुझे न पूछे, तो ये थोड़े आप रखिए ध्यान। नंबर दिया होता है मंगवाने का, वो नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, वो सारा लोग बताएंगे कितने का पैकिंग आता है, कैसा पैकिंग आता है, कौन सा कंपनी, वो सब न पूछे। आप अपना डिसीज कहिए, मैं बहुत सोचकर आपको दवाई बताऊंगा, हो सकता है इसकी हो सकता है दूसरी, और पूरे नंबर दूंगा आपको कि ये नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। तीसरी बात, उचित रोगों के बारे में ही पूछे। जैसे कोई कोई लोगों का फोन आता है कि मेरे सेक्स पावर बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है, बोले 60 इयर्स, तो ये बहुत अनुचित प्रश्न, उसको मैं समझता हूँ। भारतीय संस्कृति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही ये संस्था काम कर रही है, ये कोई दुकान नहीं है कि इससे जो आप मांगेंगे और वो दवाई हम भी नहीं मकीम वाली दे देंगे कि चलो भाई सेक्स पावर बढ़ाओ, ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, ऐसे ऐसी ऐसे रोगों के लिए आप फोन न करें, बराबर, ये दवाई हम नहीं करते, वो दूसरे लोग हैं तो वो करेंगे। दूसरा, बहुत गंभीरता से अपनी बात रखें, बराबर, आपको परहेज पालन नहीं करना है तो आप दवाई भी न ले, दवाई न मंगाइए। आपको पहला नियम ये आएगा कि आप परहेज पालेंगे, जो जो यहाँ मेरे वीडियोस में बता देंगे ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना, ये नहीं करना है, वो नहीं करे नहीं खाए, तो ये आप ज्यादा रोग मुक्त हो सकते हैं, जल्दी रोग मुक्त हो सकते हैं, बराबर। तो ये सेवा लंबी चलानी है, इसके लिए कम से कम बेकार के प्रश्न न पूछे, और किसी की बात न करे, अपनी रोग की बात अपने इसमें ही संक्षिप्त में रखे, ताकि मैं पूरा फोकस को रोग को कर सकूं। आप मुझे उसी समय 5 प्रश्न पूछेंगे अलग अलग प्रकार के, तो मेरा ध्यान भी भटकेगा, कभी मुझे ऐसा भी हो जाएगा कि ये क्या बात कर रहा है बेकार की, इसके लिए ऐसा मुझे न हो, मैं पूरी क्षमता से इसके लिए मुझे चाहिए सोचने का, चिंतन करने का। इसके लिए आपको रोग मिटाना है तो आपको ये गंभीरता बरतनी है, अपने रोग की ही बात करें बस फोन पर, रोग के अलावा और कोई बात ना करें। गुरुकुल की करनी है, कभी मिलेंगे हम, फोन करेंगे आप कभी कि भाई मोरे गुरुकुल में क्या क्या है, उसके लिए शूटिंग वो होता है। ये तो क्या होता है कि कोई कोई व्यक्ति फोन करता है फिर पूछते हैं गुरुकुल में अभी कितने विद्यार्थी है, पहले बात चालू की थी पेट के दर्द से, वहां से आती है गुरुकुल में कितने विद्यार्थी है, फिर बोलता है कि अच्छा कितने आप कैसे लेते हैं उसको, तो ये अनुचित प्रश्न है मेरे गिनने में। क्या ये सभी प्रश्न न करे तो मैं पूरा फोकस आपके रोग के पर करता हूँ, और मुझे आनंद आता है कि बहुत लोगों ने बताया कि मेरे बेटे को फिट्स थी, मेरे पास आज मैसेज आया है कि वो ठीक हो गई आपकी दवाई से, और बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, एक को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बचेगा ही नहीं, वो बच गया, किसी को बुखार था कल परसों उतर ही नहीं रहा था 10 दिन से, वो बेचारा कॉन्टेक्ट कर रहा था। अब ऐसे बेकार के फोन में हम कहेंगे तो अच्छा आदमी को उपेक्षा हो जाएगी, वो पाप हमको लगेगा, तो इसके लिए मैंने तुरंत उसको फोन किया, राजेश्वर राव जी ने ऐसे नंबर लेकर फोन किया, महासुदर्शन क्वाथ, मैंने कहा आपकी नजदीक सी दुकान से ले लो, और वहां से ले लिया, और आज अच्छा है, फोन भी आ गया, मैसेज आ गया। तो ऐसे बहुत लोगों की हम सेवा कर सकते हैं, बस आप एक नियम बनाइए कि इतनी ही बात पूछेंगे, संयम बरतेंगे, और जरूरत होने पर फोन करेंगे, प्रोडक्ट की जरूरत है उसकी है तो दूसरे नंबर है वहां पर कॉन्टेक्ट करेंगे, वो मुझे नहीं पूछेंगे प्रोडक्ट के बारे में,
लोग है वो प्रोडक्ट का फोन नंबर अलग है। मेरे बारे में चिकित्सा के बारे में पूछेंगे, आयुर्वेद के बारे में पूछे, अपने को कोई परेशानी है तो पूछिए आप अवश्य, मैं नहीं कंटालता हूँ उससे। सही प्रश्न होंगे मैं 5 प्रश्न के जवाब दूंगा, लेकिन गलत प्रश्न एक भी नहीं होना चाहिए, जो आपको मर्यादा है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो ये चिकित्सा का कार्य और हमको चिकित्सकों को तैयार करना है, पूरे भारत को स्वस्थ करना है, वो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। हम सहकार देते हैं, आप भी हमको सहकार दीजिए इतना करके कि भाई एक नियम लेंगे कि इस तरह से ही हम बात करेंगे आगे। नमस्ते जी। भोजन के आदि में कफ दोष है, मध्य में पित्त है, अंतिम में वात दोष है, और क्रम में पहला मीठा खाना चाहिए। वो मीठा तो एक मिनट मैं समझ गया। अब भोजन के आदि में कफ का बढ़ना होता है, दोष नहीं है, दोष तो है ही, वो तो रहता ही है, वो बढ़ जाता है, सलाइवा उत्पन्न होती है। तो कफ दोष भोजन के आदि में अर्थात भोजन शुरू नहीं हुआ है तब वो लगता है ना पाचक, जैसे सुगंध आती है, एरोमा होता है, सुगंध आती है, बहुत बघार होता है, मतलब छोंक लगाते हैं, सुगंध आती है, तो ऐसा वातावरण निर्मित होता है, तो हमको क्या होता है लार बनती है, कफ आ जाता है यहाँ पर। तो इसके लिए भोजन के आदि में मधुर नहीं खाना है, मधुर तो भोजन स्टार्ट करे तब खाना है। कफ कब बढ़ा, तो पहले बढ़ गया, भोजन जब शुरू कर रहा तो उसके पहले कफ बढ़ गया। उसके लिए भोजन की शुरुआत में भोजन आदो भक्षयन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, अदरक का नमक के साथ लेना है उसको, तो कफ शांत हो गया। अब भोजन करते हैं, मधुर पदार्थ खाया, क्यों मधुर पदार्थ खाया, क्योंकि सबसे पहली अग्नि उत्तेजित हो गई तो बहुत ही तीव्र भूखे। आपको पता है आप जैसे जैसे खाते जाते हैं ना ऐसे ऐसे एकदम मानो भूख थी और बाद में अंतिम में एकदम भूख चली गई, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, पहले थोड़ी भूख पूरी हुई 2%, दूसरे में 2%, तीसरे में 2%, चौथे में 2%, ऐसा 2-2% करके आपने 50 बार 60 बार खाया, क्या बस हो गया बराबर 100% या 75% हो गया, हम उठ जाते हैं। एक एक 2-2% बढ़ता है, तो उसी तरह से जो पहले अग्नि थी उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी। इसके लिए मधुर रस वाला भारी अन्न होता है, इसके लिए पहले मधुर खाया, अग्नि थी तो पचा लिया, उसके हल्का अम्ल होता है, कम अग्नि थी तो वो डाला, और अंत में जाकर बिल्कुल अग्नि हो जाती, इसके लिए शरीर मना कर देता है कि अब बस स्टॉप, अब नहीं लेना है कुछ भी, क्योंकि अग्नि हो गई वो, तो अब हल्के पदार्थ देना चालू करते हैं, जैसे छाछ हो गई, ऐसे कोई भी पदार्थ हम हल्के देते हैं भोजन के अंत में। तो ये आप समझिए कि सबसे पहले कफ बढ़ता है तो लवण आर्द्र के साथ, बीच में पित्त बढ़ता है तो कोई लिक्विड जैसे पानी, और अंत में वायु बढ़ता है, जब अग्नि बिल्कुल शांत जैसी हो जाती है तब वायु बढ़ जाता है, उसको शांत करने के लिए कषाय रस वाली छाछ या कषाय रस वाला कोई भी पदार्थ, सुपारी जैसा कोई खाने को बताया। आज घी का खुराक नहीं है, इसके लिए सुपारी आज हम मना करते हैं। एक टाइम था जब खा सकते थे, आज नहीं खा सकते हैं। इसके लिए हम बताते हैं कोई पान खा सकता है, क्योंकि अंत में पाचक रस उत्पन्न होता है, वो भी कषाय रस वाला होता है। इसके लिए आयुर्वेद में हरड़ खा सकते हैं, बहुत अच्छा है, तो हरड़ का चूर्ण सेवन करें, छाछ पिए। तो ये भोजन का क्रम है, इसमें कोई प्रश्न है तो बताए। वनिता जी। प्रणाम आचार्य जी, मुझे ये पूछना था, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं तो वो पाचक रस की विकृति के कारण होते हैं क्या, या किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया है तो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अब देखिए ये तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आयुर्वेद में उसको अश्मरी कहा गया है, अर्थात विभिन्न कणों को एकत्रित होकर एक ठोस पदार्थ का बनना, उसको अश्मरी कहते हैं, उसको पत्थरी कहते हैं, स्टोन कहते हैं। अब उसके कारण अलग अलग है, अलग अलग रो से बन मटेरियल से बनती, पित्त की भी हो सकती है, कफ की भी हो सकती है, वात की भी हो सकती है, वीर्य की भी हो सकती है, अलग अलग जगह पर रहती है वो। पित्ताशय की पत्थरी है वो थोड़ी कठिन होती है, लेकिन ग्लोट बेडर को निकालने के बाद उसके लिए क्या क्या करना है वो तो बहुत ही व्यापक विषय है, आपने अच्छा पूछ लिया है। लेकिन अभी आयुर्वेद में सबसे पहले ये स्टोन को भेदन करने वाली औषधि एक बताई गई,
मॉडर्न में भी आज वही औषधि का प्रयोग करके कुछ दवाइयां बन रही है। पाषाण भेद जिसका नाम है, पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं, यवक्षार है, हजरत यहूल भस्म है, बहुत सारी चीजें उसकी दवाई के लिए बताई गई। निकाल दिया है तो आहार विहार कुछ जानकर करना है, तो ये हम कभी और वीडियोस में बताएंगे कि उसके आहार विहार कैसे करने चाहिए, किस रोग में, केवल इसमें नहीं, किस रोग में क्या आहार विहार होना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी हम बताएंगे, लेकिन उसका समय अभी नहीं है। तो अभी केवल इतना ही जाने, जिसको निकाल दिया वो पित्तवर्धक आहार का सेवन न करे, उसको पित्त विकृत हो, जैसे अतिशय खट्टा खाना, अति तीखा खाना, धूप में घूमना, कब्ज को रहने देना, भोजन पर ध्यान न देना, ठंडा सूखा रुक्ष खाना, ये सब पदार्थ छोड़ दे तो उसको अच्छा रहेगा। तो वो तो स्वाभाविक है, पित्त को विकृत न करे, ऐसे चीजों का वो सेवन करे, पित्त को विकृत करते हैं ऐसे पदार्थ को छोड़ दे। जी केतल जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है, लास्ट सेशन में आपने बताया था कि पानी उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए, तो गुरुजी मुझे ये पूछना था कि क्या हम कॉपर के बर्तन में वो पानी ठंडा किया हुआ डाल सकते हैं क्या? हाँ, कॉपर के बर्तन में गर्म नहीं करना है, लेकिन अच्छा। एक बार गर्म हो गया कि बाद में आप उसको कॉपर के बर्तन में डाल सकते हैं। जी, कॉपर के बर्तन में गर्म करके उसको डाल सकते हैं, तो वो पूरे दिन आप पी सकते है। नितिन जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, बंगाल में अधिकतर हुमस की अधिक रहती है, तो यहाँ पर गैस और आर्थराइटिस के रोग ज्यादा मिलते हैं और उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, तो इस विषय में क्या करना चाहिए? अब देखिए, इसमें सबसे पहले यदि ऐसा हो रहा है तो वात विकृति की वजह से हो रहा है, क्योंकि वायु के 80 रोगों में इसका वर्णन आता है। कंप वात अंगी की टेढ़ा मेढ़ा होना, कंप लगना, कंप होना, अंग प्रत्यंग विकृत होना, जैसे पेरालिसिस में होता है, तो सबसे पहले वायु के रुक्ष गुण को जीतने के लिए स्निग्धता चाहिए, शरीर में ऑयलिंग चाहिए, वो ऑयलिंग दूर हो जाता है तो ये सब चीजें होती है, आवाज आती है, जैसे आप ऐसे ऐसे कड़ाएंगे तो आवाज आएगी, तो इस तरह से उसमें अभ्यंग पहले करना है, रोज मसाज करना है पूरे शरीर में। तो आयुर्वेद में बताया गया अभ्यंगम आचरतो नित्यम वायुस्तत्र न प्रकोप्यति, वायु का प्रकोप नहीं होता है यदि आप रोज उसको मसाज करने को मिलेंगे। आज हमने क्या किया है, कुछ रोग हो जाता है बाद में मसाज को चालू करते हैं, लेकिन मसाज नित्य आचरण करना है, नित्य उसको शरीर को मसाज चाहिए, तो वो वायु बढ़ेगा नहीं और ऑयलिंग होता रहेगा। इसके लिए पहला काम तो ये करना है, ऐसे वातावरण में जो लोग रह रहे हैं उसको नित्य अपने शरीर को अभ्यंग करना है, मतलब मसाज करना है। 10-15 मिनट तक तेल को, अच्छे तिल तेल को लेकर, या कोई भी प्रकार के औषधीय तेल को ले सकते हैं, उसको लेकर मसाज करना है, और उसके बाद स्नान करना है थोड़ा बहुत व्यायाम करके। तो ये एक आप लोगों को दिनचर्या में ऐड करा सकते हैं। दूसरा, उस समय पर ऐसे कोई को बाध नहीं है धार्मिक दृष्टि से, ऐसे हम नहीं खाते हैं, लेकिन लहसुन का औषध के रूप में प्रयोग करना है, तो लहसुन का वहां पर ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है, कर सकते हैं यदि धार्मिक बाधा नहीं है। यदि है, मान कोई लहसुन नहीं खाता है, जैसे कोई नहीं खाता है तामस प्रकृति के, तो उसके कारण आप कोई भी प्रकार का वायु का अनुलोमन करे ऐसा औषध दे सकते, जैसे हिंग्वास्टक हो गया, कैसे भास्कर लवण चूर्ण हो गया, ये बहुत सारी औषधियां ऐसी है, तो वो आप उसको दे सकते हैं। जी, अजमोद आदि चूर्ण करके आयुर्वेद में आता है, हमारी एक रूमोग्रीन कैप्सूल आती है, ऐसे कोई भी वायु को समन करे ऐसे पदार्थ देना है, खास करके उसको मसाज बहुत जरूरी रहेगा रोज, तो बहुत सारा फायदा उसको वायु के रोगों में होगा। जी प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, ये पूछना था कि पूर्णिमा के दिनों क्या कफ का बढ़ जाता है अपने आप? पूर्णिमा के दिनों में नहीं सुने क्या? पूर्णिमा के दिनों में क्या कफ बढ़ने के चांस भी बढ़ जाता है? पूर्णिमा के दिन क्या कफ बढ़ते हैं? क्या कफ बढ़ते हैं? अच्छा, पूर्णिमा कफ बढ़ते हैं क्या? हाँ जी। ओके ओके ओके
अब देखिए शरीर पर क्या असर होती है पहली बात, दूसरी बात मन पर क्या असर होती है वो एक जरूरी होता है। पूर्णिमा की और पूर्णिमा के चंद्र की ज्यादातर असर मन के ऊपर होती है। दो बातें हैं उसमें, चंद्रमा मनसो जायतः चक्षोः सूर्यो जायतः, वो यजुर्वेद में चंद्रमा को मन के संबंधित मन का देवता बताया गया है। तो एक दूसरा, चंद्रमा के बहुत सारे प्रभाव हमने मन के ऊपर देखे हैं, क्योंकि चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव सोमात्मकम जगत है तो पानी के ऊपर रहता है। इसके लिए उस दिन ज्वार भाटा हम जिसको कहते हैं कि उसको एक नदी में ज्वार आना, पानी का फ्लो बढ़ जाना समुद्र में, तो समुद्र के ऊपर चंद्र का इफेक्ट है। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी इस तरह का ही जल है, वो जल तत्वों पर चंद्रमा का प्रभाव है। इसके लिए ज्यादातर वो तर्पक कप को प्रभावित करता है जो मस्तिष्क में रहता है। इसके लिए पागल लोगों की परेशानियां ये पूर्णिमा के दिन बढ़ जाती है या उसके आसपास के एक दो दिन। इसके लिए पागल खानों में भी गुरुजी ने बहुत ही रिसर्च करके बताया था कि ये ल्यूनाटिक शब्द है, वो चंद्र से ही बना है। तो ये ल्यूनाटिक जो होता है ना वो पागल के लिए, तो इसके लिए एक चंद्रमा का प्रभाव उसके ऊपर स्पष्ट देखा जाता है। तो ये आप उसका संबंध तर्पक कप से है जो मस्तिष्क में रहता है, वो ज्यादा विकृत होता है, वो आप सही। इसके लिए हमारे यहाँ पूर्णिमा के आसपास बहुत त्योहार ऐसे आए कि हमारा मन विचलित ना हो, इसके लिए पूर्णिमा के दिन कहीं जाना है, रात्रि को चंद्र का सेवन करना है ताकि उसको शीतलता मिले, प्रसन्न वातावरण रहे, तो इसके लिए प्रसन्नता के साथ इसको छोड़ा गया ताकि हताशा, मंदोत्साह, गुस्सा या फिर ऐसे अवसाद ये सब न रहे। इसके लिए उस टाइम पूर्णिमा के कार्यक्रम ज्यादा होते हैं, आपको पता है। उसका कारण है कि इसके कारण मन अवसादग्रस्त भयग्रस्त होता है, इसके लिए ये सब बताया है जी। और कोई? मनोरमा जी। प्रणाम गुरुजी, मैं बिहार से मनोरमा बोल रही हूँ। गुरुजी ये पूछना है कि जो रोटी हम लोग गेहूं की खाते हैं तो मिक्स वाली रोटी खानी सुपाच्य होती है या केवल सादा गेहूं की, जैसे बाजरा और जौ मिला के? हाँ, मतलब आप दो धान्य की खा सकते हैं ऐसे तो एक की भी खा, लेकिन गेहूं से वो अच्छी है, ज्यादातर जौ की बाजरी की, उसको दोनों को मिलाकर खाई या गेहूं में ही जौ मिला दिया, दो धान्य की आप खा सकते हैं रोटी। तो मिलाने की मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए? आधा आधा, जैसे एक केजी आधा बाजरी लेना है, आधा या तो कुछ भी, मतलब ज्वारी वगैरह लेना है, जौ लेना है, वो आधा आधा। धन्यवाद, प्रणाम। राजश्री जी। प्रणाम गुरु जी। मैं पूछना चाहती थी कि हर फल खाली पेट खाना चाहिए या कुछ फल ऐसे भी हैं जो खाने के बाद खाने चाहिए? खासकर केला, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि खाने के बाद खाते हैं, तो उसका कोई कारण होता है? अब देखिए केला की बात तो बाद में करेंगे, वो भारी है, तो इसके लिए जिसको वेट को गेन करना है वो खाली पेट खा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग खाएंगे तो बहुत वजन बढ़ेगा, तो इसके लिए उसको मतलब भरे हुए पेट को खाते लोग, ज्यादा मेदस्विता न बढ़े इसके लिए। ऐसा एक फल है जो जामुन है, उसको खाली पेट नहीं खाया जा सकता है, वो मैंने पहले ही बताया, वो वात का वर्धन करता है, बहुत वात की विकृति को उत्पन्न करता है यदि खाली पेट लिया जाए। तो खाली पेट खाने के बस एक दो फल की मनाही है, बाकी फल है वो सुबह से दोपहर तक आप सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। तो ज्यादातर फल बाद में खाए भोजन के तो ज्यादा अच्छा माना गया है, थोड़ी जगह रखकर उसके बाद खाए तो, लेकिन ऐसे कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप सुबह भी फल का खा सकते हैं, कुछ नहीं खाते हो नाश्ता नहीं तो भी फल का नाश्ता कर सकते हैं जी। नंदिनी जी। प्रणाम आचार्य, मेरे दो सवाल है। एक की त्रिदोष अगर बिगड़ जाए तो क्या पथ्य और अपथ्य रहेंगे, और दूसरा कि जैसे आपने बोला षड्रस खाते समय अदरक नमक इसको पहले सेवन करना है, उसके बाद अगर मीठा हम दूध से बना हुआ बासुंदी या खीर ऐसा है वो खा सकते हैं क्या, और मीठे के बाद आपने बोला है कि खट्टा खाते हैं,
तो मीठा खाने के बाद दूध का अगर मीठा खाया है तो उसके बाद खट्टा सेवन कर सकते हैं क्या? धन्यवाद। दो तीन बातें समझ ले। पहली तो बात आपने बताई कि भोजन के पहले हमने नमक खाया, उसके बाद ये दूध का खाया तो अम्ल खा सकते हो, विरुद्ध में आएगा। और विरुद्ध का तो बताया है, रस को तो खाना है लेकिन ध्यान तो देना है हमको कि ये विरुद्ध तो नहीं हो रहा है, तो ये नहीं खा सकते। फिर दूध की कोई खीर खाई आपने तो फिर खट्टी इमली है यदि तो नहीं खा सकते है, लेकिन आंवला है तो खा सकते है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि इसमें दोनों विरुद्ध तो नहीं हो रहा है भोजन में। तो ये इस तरह से आप सोचे कि उसको कौन सा द्रव्य है उसके ऊपर आप विचारणा करें। और दूसरा प्रश्न क्या था? मेरा था त्रिदोष, त्रिदोष विकृत हो तो क्या करें। हाँ तो त्रिदोष विकृत मतलब क्या, कौन सा दोष विकृत हुआ है? तीनों दोष विकृत हो गए हैं। हाँ, तीनों दोष अगर विकृत है तो हाँ, क्या पथ्य और अपथ्य रहेंगे? तो उसके लिए एक 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 को या तो शमन की प्रक्रिया इस तरह के करें कि दूसरा बढ़े नहीं, जैसे इसके लिए त्रिदोषशामक औषधियां बताई गई है या ऐसी औषधियां बताई गई है जो एक को शमन करती है दूसरे को बढ़ाती नहीं है। तो उसमें एक एक दोष ऐसा रहेगा जो प्रधान रहेगा, तो इसमें मानो प्रधान जलन होती है सबसे ज्यादा। जैसे आपको सब अच्छा लगता है लेकिन मैं पूछू कि आपको एक में मीठा सब अच्छा लगता है, आप बोलिया, तो मैं कहूंगा कि मैं यदि जलेबी दू और पेड़े दू आप क्या खाओगी? अब लोगों को तो दो में से एक पसंद करना है तो क्या पसंद करोगी? तो वो किसी ने भी सोचा नहीं होता है कि भाई मैं ये दोनों अच्छा लगता है लेकिन दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा क्या लगता है। तो उस तरह से बहुत त्रिदोष विकृत होंगे लेकिन एक दोष की प्रधानता होगी उसमें। तो हमको देखना है कि उसमें मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या क्या ज्यादा दुखता है। पैर भी दुखने लगा, मस्तिष्क भी दुखने लगा, तो आपको पता होता है कि ये ज्यादा दुखता है ये कम दुखता है। उस तरह से एक दोष की प्रधानता रहेगी, उसको देखना है, पहले उसकी चिकित्सा कर। जैसे हम काम में भी करते हैं ना, सात काम है लेकिन अर्जेंट कौन सा है वो पहले देखते है, बराबर है? तो पहले अर्जेंट वाला काम देख लेते हैं, फिर बाद में चलने वाले है तो उसको देते है, फिर तीसरा काम करते है, फिर चौथा करते है, उस तरह से। तो ये आपको देखना है। जी पीयूष जी। मेहुल भाई नमस्कार, कोलकाता से पीयूष घोष जी। ये पंच महाभाव भूतों के साथ कालर का वर्ण का कोई संबंध है क्या? किसका? पंच महाभूतों के साथ जी वर्ण का कालर का। हाँ अवश्य है जी, उसके लिए इसके बारे में कुछ जानना। इसमें देखिए अभी ये तो अभी तक के आयुर्वेद में हमने नहीं लिया है लेकिन एक बार हाँ। कलर के संबंध में हम लेने वाले हैं उसको। सूर्य की जो रश्मियां है आयुर्वेद हाँ। के हिसाब से शुक्ल नील पीत हरित रक्त कपिश चित्र भेदात सप्तविधम रूपम, छह सात प्रकार के रूप माने गए है। अब सात प्रकार के रूप है, उसका किसका किसके साथ कलर से किसका किसके साथ क्या क्या संबंध है। लाल का जैसे पित्त के साथ संबंध है, वो गर्म माना जाता है, तो उस तरह से हम एक बार पूरा का पूरा लेंगे। श्वेत का कफ के साथ संबंध है, वो शीतलता प्रदान करता है जैसे चंद्र है, तो उस कलर का भी एक विशेष महत्व है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत विचारणा की गई है कि इस तरह से वो कलर का प्रभाव यहाँ यहाँ पर इस तरह से रहेगा। तो उसका हम पूरा सेशन लेने वाले हैं, इसके लिए हम तभी चर्चा करें वो उचित है। तो आप उस समय हम एक पूरा सेशन लेंगे आयुर्वेद के ही वर्ग में, तो ये तब आप जान सकते हैं। जी मोहित जी, मोहित अग्रवाल जी। हाँ नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा था, मेरा लड़का 6 साल का है और वैसे तो मैं कुछ चीजें उसको दे रहा हूँ, जैसे नाभि का तेल रात को डालता हूँ आगे, तो लेकिन इसके अलावा हम और क्या चीज दे सकते हैं कि जो हमेशा स्वस्थ बना रहे और वो थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा पतला है, तो हर कोई इसे टोक देता है कि शरीर में तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ बातें समझ ले। एक तो अभ्यंग आचरण नित्यम, अभ्यंग रोज करना है बालकों को, बराबर। शरीर का अभ्यंग हो गया और कोई औषधीय तेल से, मस्तिष्क का अभ्यंग माथे पर अभ्यंग करना है वो एरंड तेल से बालकों का करे तो बहुत अच्छा रहेगा, या तो कोई भी और तेल से करे तो भी ठीक है, ये दो करे। तीसरा नस्य बहुत उपयोगी है,
जन्म प्रवृत्ति शिष्यते, क्योंकि नस्य हम बालकों को नहीं करते हैं तो ज्यादातर उसके मस्तिष्क के, कान के, नाक के रोग होने की संभावना होती है। इसके लिए हम रोज नस्य नाक में डाले, वो श्वसन मार्ग का ठीक रहेगा। तो ये एक करे उसको एक मसाज, एक शिरो अभ्यंग अर्थात माथे पर मसाज, और एक नस्य बाल नस्य करे तो अच्छा है। और बाकी क्या तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं आहार विहार और उसके द्वारा औषधों का, लेकिन ये कर्म में ध्यान रखिए, पहले ये अभ्यंग अर्थात मसाज, उसके बाद ये नस्य कर सकते हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, कल तकती होने वाला है और कल हमारा गुरुकुल के ऊपर सेशन है जी, ये आचार्य जी का फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आचार्य जी के लिए जुड़ जाइए, हमेशा अपने आप को सेंटर में मत रखिए, तो कभी कभी आचार्य जी का खुशी के लिए भी कुछ करना पड़ता है, तो सेवा या कोई सेवा है, तो प्लीज आप सब लोग, अभी 254 लोग हैं, आप सब लोग जुड़िए, आपका मित्रों को जोड़िए, ताकि जो गुरुकुल का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें आयुर्वेद बाकी सब उसी में जुड़ा है, तो प्लीज आप कल मैक्सिमम लोग जुड़िए और मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए प्लीज, यही है हमेशा। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर जी, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू आचार्य जी।